हाय एवरीवन वेलकम माय चैनल मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ ये कंप्लीट मशीन लर्निंग का एंड टू एंड प्रोजेक्ट है इसमें फ्रंट एंड है बैक एंड है डेटा सेट है और जुपिटर नोटबुक्स एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू मेक इट एज कम्प्लीट प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है लंदन यूनिवर्सिटी में एज एन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट के तौर पे दिया गया था स्टूडेंट्स को सोल्व करने के लिए तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ों का वॉक थ्रू करवाऊंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसके बाद डेटा सेट को समझाऊंगा कि डेटा सेट क्या है उसके बाद एक कोड का क्विक वॉक थ्रू आर्किटेक्चर एंड कंप्लीट डेमो वर्किंग डेमो ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी असाइनमेंट के लिए या किसी पर्सनल पर्पज के लिए भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स uh, मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और पिंड कॉमेंट में भी है तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे पहले ये जो है एक वेब एप मैंने बनाई है जो कि बेसिकली प्रडिक्ट करती है डायबिटिक Uh, एक पर्टिकुलर पर्सन की कुछ मेडिकल टर्म्स के पैरामीटर्स की वैल्यूज के बेस पे और ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की वैल्यूज को कंसीडर करके इट विल डिसाइड की पर्सन uh, डायबिटिक है कि नहीं है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम तो इस पे डेमो पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वॉक थ्रू करवा देता हूँ तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वॉक थ्रू ये है कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे कोर्स बैकग्राउंड यहाँ पे बेसिकली एक जो प्रॉब्लम का जो बेसिक सी डिटेल्स दी गई है कि डायबिटिक क्या होता है टाइप वन डायबिटीज क्या होता है टाइप टू डायबिटीज क्या होता है और कौन कौन से डायबिटिक को मेजर करने के लिए कौन कौन से चीजों को मॉनिटर किया जाता है जैसे आप ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते हो कंटिन्यूस ग्लोज ग्लूकोज मॉनिटरिंग को यूज करते हो या डिफरेंट और जो दो तीन जो पैरामीटर हैं उनके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि हाइपो ग्लेमिया है या हाइपर ग्लेमिया ये दो भी एक मेडिकल टर्म्स हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब इसका एम क्या है बेसिकली हम बनाना क्या चाह रहे हैं एम ऑफ कोर्स वर्क इज टू डेवलप ए मशीन लर्निंग सिस्टम दैट टेक्स एज इनपुट डेटा फ्रॉम थ्री टाइम सीरीज ग्लूकोज सेंसर सीजीएम कार्बोहाइड्रेट इनटेक सी एंड इंसुलिन इनटेक एंड आउटपुट एट टाइम इफ द सब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस ए हाइपोग्लेसेमिक सीजीएम वैल्यू लेस देन और हाइपरग्लेसेमिक दैट मीन्स सीजीएम वैल्यू इज ग्रेटर देन इन नेक्स्ट टू हाउस बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊ तो प्लेन लैंग्वेज में बात यह है कि आपको थ्री डिफरेंट सेंसर्स की रीडिंग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कंटिन्यूअसली आपको मिल रही है और आपको एक ऐसा मशीन लर्निंग का सिस्टम बनाना है जिसका बेसिकली बेस्ड ऑन दोज मशीन बेस्ड ऑन दोज रेटिंग्स ऑफ थ्री डिफरेंट सेंसर आपको डिसाइड करना है आपका मशीन लर्निंग सिस्टम बताएगा कि क्या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर पेशेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम या नेक्स्ट टू आवर्स में उसकी ग्लूकोज की वैल्यू सी जी एम वैल्यू लेस देन सेवेंटी हो जाएगी या ग्रेटर देन वन एटी हो जाएगी तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये एक टाइम सीरीज uh, की प्रॉब्लम है बेसिकली इसमें क्या है कि हम uh, एक टाइम विंडो को कंसीडर करते हैं और uh, उस टाइम विंडो को भी हर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन और ये इंटरवल के बाद हम जो इन सेंसर्स की वैल्यू को हम देखते हैं चलिए अब डेटा की बात करते हैं डेटा सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं डेटा के लिए मैंने ये डिफरेंट जैसा आप देख पा रहे हैं डायबिटिक डेटा सेट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज के पेशेंट्स का डेटा है जैसे अडोलसेंट वन थ्री फोर ये अडल्ट वन टू थ्री फोर डिफरेंट अडल्ट का डिफरेंट चाइल्ड्स का डेटा है मेरे पास मेरे पास अराउंड थर्टी फाइव के आसपास डिफरेंट सॉरी ट्वेंटी टू के आसपास मेरे पास डिफरेंट पर्सन के डेटा सेट हैं अब इनकी रीडिंग्स को बेसिकली uh, यूज हम कर सकते हैं अपना मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए अब मैं किसी एक का वॉक थ्रू करवा देता हूँ जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस डेटा सेट में बेसिकली ये सारे कॉलम है टाइम बीजी बी इज बेसिकली ब्लड ग्लूकोज सी जी एम जैसे मैंने एल बी जी आई एच बीजीआई रिस्क एल बी जी आई और एच बी जी आई ये दोनों भी मेडिकल बेसिकली सेंसर्स के रीडिंग है जिनको आप कंसिडरेशन में रख सकते हो रिस्क आपको बताएगा कि रिस्क इज बेसिकली आपको बताएगा कि इंसुलिन या उसकी जो है आपकी ये जो हमें डिटेक्ट करना था उसकी वैल्यू कितनी है बेसिकली सीजीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी या कितना रिस्क है ठीक है तो रिस्क हमारा इज अ काइंड ऑफ द वैल्यू विच वी वांट टू प्रेडिक्ट सो जैसा और एक चीज आप नोट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे uh, क्योंकि ये टाइम सीरीज बेस्ड डेटा है तो ये हर पांच मिनट के बाद अपडेट होता है तो जैसे फर्स्ट रो का डेटा है सिक्स ओ क्लॉक का सेकंड रो का सेम पेशेंट का डेटा सिक्स फाइव पे जैसा आप देख पा रहे हैं सिक्स ओ क्लॉक पे

उसके बाद पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वर्क थ्रू किया अब हमारा डेटा सेट हो गया अब मैं आपको जो है एक क्विक आर्किटेक्चर का ओवरव्यू बता देता हूँ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर को वो ले लिया है अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो बेसिकली इस प्लेन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली आर्किटेक्चर में है क्या आर्किटेक्चर में जैसे आपका एक फ्रंट एंड है जो कि आपका uh, HTML, और, टेक और इनमें से किसी भी ब्राउजर के ऊपर रन करेगा ठीक है थीके? अब ये आपके बैकएंड से कनेक्ट करता है बैकएंड आपका फ्लास्क बेस्ड है पाइथन में बेसिकली कोड लिखा गया है और फ्लास्क में उसको डिप्लॉय किया गया है और फ्रंट एंड और बैकहेंड दोनों जो है आपकी रेस्ट एपीआई के थ्रू जो है कॉल जाती है गेट पोस्ट की कोल्स है और फ्लास्क बैकएंड में बेसिकली आपका जो है जो क्लासिफिकेशन मॉडल है जो ट्रेंड मॉडल है उसको भी होस्ट किया गया है ताकि जो भी रिक्वेस्ट आती है और वो उस क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज करके आ, आपको प्रोडक्शन्स दे पाए सो so, यहाँ से आपकी जो प्रोडक्शंस का जो रिस्पॉन्स जाता है वो भी आपका जो है पोस्ट ए के थ्रू जाता है तो ये बहुत ही सिंपल सा सिंपल सा आपका जो इसका आर्किटेक्चर है उसके बाद हम बात करते हैं जल्दी से उसके बाद हम बात करते हैं सोर्स कोड की कोड की मैं बात जल्दी से आपको बता देता हूँ जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने सारी चीजें वो पेरेंट जो बेसिकली प्रोजेक्ट का पेरेंट रूट फोल्डर है उसको इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे हमारा डेटा सेट है ये सारी जो सी मैंने आपको दिखाई थी उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड मॉडल है यहाँ पर जो जुपिटर नोटबुक बेसिकली जहाँ पे मैंने मॉडल को डेवलप किया ट्रेन किया और वो सारी चीज़ें की यहाँ पे जो है आपका टेम्पलेट्स में आपका फ्रंट एंड है और ये मेरा एप डॉट पी वाई में मेरा बैक एंड है फ्लास्क वाला कोड है ठीक है अब मैं जल्दी से एक बार क्विकली वॉक थ्रू करवा देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चीज़ों को इम्पोर्ट कर लिया जो जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है उसके बाद फिर मैंने जो जहाँ पे मेरा फोल्डर पा बेसिकली डेटा सेट का फोल्डर कहाँ पे है उन सारी फाइल्स को जो मैंने कंबाइन uh, कर लिया कंबाइन करने के बाद यहां पे मैंने उनसे एक डेटा फ्रेम बनाया है सभी बेसिकली सभी फाइल्स को रीड करके एक सिंपल एक ओल्ड डेटा फ्रेम में ले लिया और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो डेटा फ्रेम फ्रेम मेरा फिर ऐसा दिख रहा है ठीक है उसके बाद नीचे जाते हैं फिर कुछ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया गया है कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है अगर हैं तो हम उनको अकॉर्डिंगली uh, हैंडल कर सकते हैं लकीलीली इस केस में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी uh, उसके बाद फिर uh, हमने जो हमारे लिए सारे कॉलम्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे उनको हमने रख लिया जैसे टाइम सी जी एम सी एच ओ ये सारे हमारे लिए कॉलम्स uh, इंपोर्टेंट थे वो हमने रख लिए और यहाँ पे जैसे रिस्क के जे कंटिन्यूस वेरिएबल्स यहाँ पे जैसे थ्रेस होल्ड सेवेंटी का था मैंने आपको बताया था अगर उससे लेस है तो हाईपो, हाईपो है तो और अगर उससे ज्यादा है तो वो हाइपो हाइपरग्लेसेमिक हो जाएगा ठीक है टाइम विंडो हमने 24 की रखी है 24 रखने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें इन नेक्स्ट टू आवर्स का हमें बेसिकली हमें टू आवर्स का डिसाइड uh, के टू आवर्स की विंडो के बेस पे डिसाइड करना है अब टू आवर्स की विंडो हमारी इसमें ट्वेंटी फोर रोवर्स के बाद होती है क्यों क्योंकि जैसे आ, हमारा हर रिकॉर्ड जो है मिनट्स के आ, बाद अपडेट होता है जैसे यहाँ पेन ये सिक्स फाइव पे सिक्स टेन पे तो वन आवर में ट्वेल्व रिकॉर्ड हो ट्वेल्व रोर्स हो जाती हैं और टू आवर्स में हमारी ट्वेंटी फोर रो हो जाती हैं इसलिए जो है हमने यहाँ पे ट्वेंटी फोर रोवर्स को रखा है उसके बाद हमने फिर यहाँ पे टाइम सीरीज को एक्सेप्ट कर लिया है और फिर यहाँ पे टाइम सीरीज का जो बेसिकली जो ये वाली वैल्यूज़ हैं सी जी एम सी एच और इंसुलिन इन वैल्यूज को जो है हमने एक्स और वाई बेसिकली जो हमारे उनको बना लिया है उसके बाद फिर मैंने एक्स और वाई को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है बेसिकली कुछ हमने जो है अराउंड ट्वेंटी परसेंट जीरो पॉइंट टू परसेंट ट्वेंटी परसेंट हमने टेस्टिंग के लिए रखा है और 80% परसेंट जो है हमने बेसिकली उसके लिए रखा है ट्रेनिंग के लिए अब उससे पहले हमने एक बार ये भी हमने देखा है कि हमारी जो दो क्लासेज हो सकती हैं आंसर आने के बाद जो है आंसर आने के बाद हमारी दो क्लासेज हो सकती हैं या तो हाइपोगलेसेमिक या हाइपरग्लेमिक तो इसमें हमारा बेसिकली क्या है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रिस्क क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो इक्वल है तो जैसे आप यहाँ पे देखा तो यहाँ पे इक्वल नहीं है जैसे आप देख पा रहे हैं हाइपोग्लेसेमिक के अराउंड थर्टी थाउजेंड रिकॉर्ड है और हाइपर के अराउंड बहुत ही कम रिकॉर्ड है तो ये दिस इज नॉट ए गुड साइन तो हमें इस चीज को ट्रीट करना पड़ेगा हमारे पास क्या होता है कि एक रैंडम ओवर सैम्पलर होता है जिसकी हेल्प से हम जो है क्लासेज uh, को बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि हमारा मॉडल जो है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन दौरान जो है बायस ना हो जाए तो उसको हमने यहाँ पे uh, जो है बेसिकली रेंडम ओवर सैम्पलर के थ्रू हमने जो है दोनों क्लासेज को जो है ऑलमोस्ट सेम सा ले आए थी यहाँ पे बैलेंस uh, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हमने चेक किया रैंडम ओवर सैम्पलर की हेल्प से तो हमने चेक किया तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम हो गया था ठीक है उसके बाद हम फिर आ जाते हैं अब क्योंकि एक मॉडल हम ट्राई नहीं कर सकते देयर कैन बी मल्टीपल मॉडल्स और हर मॉडल के बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं तो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि हम जो है ग्रिड सर्च सीवी का यूज करें तो मैंने ग्रेड सर्च सीवी का यूज किया था डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू के साथ और दो मेजर मॉडल्स को मैंने ट्राई किया था रेंडम फॉरेस्ट और बेसिकली uh, आपका जो है SVM yes, uh, या सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर या सपोर्ट वेक्टर मशीन भी आप इसको बोल सकते हो तो इन इन पैरामीटर्स के साथ जो है मैंने बेसिकली uh, दोनों मॉडल्स को ग्रेड सर्च से भी किया था और फिर मैंने यहाँ से आपके जो है बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट मॉडल को निकाला था बेस्ट पैरामीटर्स मेरे लिए निकल के आए थे मेरे केस में ये वैल्यू थी कि हमारे लिए बेस्ट मॉडल जो है हमारा एस रहेगा और इन पैरामीटर्स के साथ हमारी बेस्ट वैल्यू आ रही है तो हमने फिर इसके साथ इसको ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आ, बेसिकली उसका जो ट्रेनिंग के जो है आ, आप स्कोर भी देख पा रहे हो कि जैसे 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 वो सैंपल्स का ऊपर ट्रेनिंग करता गया तो बेसिकली आपका एक्यूरेसी कैसे बिहेव किया है ट्रेनिंग का और वैलिडेशन का आप देख पा रहे हो उसके बाद जो है फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग कर ली और ट्रेनिंग करने के बाद ये मेरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आई है जैसे आप देख पा रहे थे हमें एज एन असाइनमेंट जब लास्ट में जो हमें देना था वो था ये रिपोर्ट एज परफॉर्मेंस मेट्रिक रिकॉल एंड एफ वन मेजर तो हमें बेसिकली ये तीनों चारों चीजें निकालनी थी हमारे केस में तो तीनों चारों चीजें हमने यहाँ पे निकाली प्रिसीजन uh, भी निकाला एक्यूरेसी भी निकाली रिकॉल भी निकाला और वन मेजर भी आया और हमारा मॉडल uh, इतना अच्छे से ट्रेन हुआ था कि एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल और ये सारी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर सी आई हैं विच इज़ ए वेरी हेल्दी और गुड साइन नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी एकूक्रेसी ज्यादा होती है लेकिन प्रसीजन कम हो जाता है एंड सो ऑन सो फोर्थ तो उसके बाद फिर मैंने अपने मॉडल को सेव कर लिया मैंने इस मॉडल को यहाँ पे uh, इस नाम से सेव किया है और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस यहाँ पे जो है मेरा मॉडल सेव्ड है और उसके बाद जल्दी से क्विकली एक बैकेंड का वॉक थ्रू करवा देता हूँ बैकेंड के वॉक थ्रू में ये मेरा ऐप डॉट पी वाई है यहाँ पे मैंने uh, अब क्योंकि ये वाला जो मैंने मॉडल जब सेव कर लिया अब उसको फिर मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ही मेरा फ्लास्क सर्वर ऑन होता है तो ये मॉडल को लोड कर लेता है मॉडल को लोड करने के बाद सबसे पहले हम एक गेट की रिक्वेस्ट जाती है जो कि हमारे इस वेब पेज को बेसिकली रेंडर करती है जो होम वेब पेज है बेसिकली आप सर से समझ सकते हैं उसके बाद फिर हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट आती है जो कि बेसिकली हम एक सी फाइल देंगे एक सैंपल सी फाइल वी फाइल देंगे let's say दो घंटे की रीडिंग्स रे, की सी वी फाइल देंगे एंड फिर हम मॉडल uh, को देंगे मॉडल बेसिकली uh, क्या uh, हाइपोगिक है या हाइपरग्लेमिक है पेशेंट आपका ठीक है उसके बाद uh, यहाँ पे हम यहाँ पे जो है मॉडल से प्रेडिक्ट करवा रहे हैं, और uh, नहीं यहाँ पे हम एक क्विक प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं जस्ट टू चेक है हम अपना कोई गलत डेटा तो मॉडल को नहीं दे रहे प्रेडिक्ट करने के लिए अगर हम गलत डेटा देंगे मॉडल को तो मॉडल अच्छे से प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा उसके बाद फिर जो है हमारा वो सब करने के बाद हम मॉडल से प्रोडिक्शन लेते हैं और फिर उसको एक सी फाइल में बना के वापस भेज देते हैं सी फाइल को एज ए प्रोडक्शन डॉट सी एस वी एज एन अटैचमेंट और फिर हम ये हमारा बैकेंड का क्विक वर्क थ्रू था अब मैं आ जाता हूँ इसके डेमो के ऊपर डेमो के ऊपर जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक वेब ऐप है यहाँ पे इसका फ्रंट एंड रनिंग है और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे मेरा बैकेंड के लोग सारे हैं ठीक है उसके बाद में या इसमें बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे आप एक सी फाइल देंगे किसी भी पेशेंट की जिसमें लास्ट आ, टू आवर्स का डेटा होगा दैट एट ट्वेंटी फोर रोज होंगी मैं यहाँ पे ट्वेंटी फोर स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि uh, हमारे पास जो डेटा था वो uh, हर पांच मिनट का डेटा था तो uh, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी ट्वेंटी फोर बनती है तो लेट्स से मैं इसको एक सी फाइल देता हूँ एंड सीएसवी फाइल देने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना आपको सबमिट कर देना है तो ये सी फाइल का डेटा मॉडल के पास जाएगा मॉडल इस डेटा को कंसिडर करके प्रोडक्शन करेगा प्रोडक्शन करने के बाद हमें वापस रिटर्न दे देगा और वो सारे रिजल्ट्स भी सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में ही आएंगे और फिर हम यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं तो जैसा आप मैंने यहाँ पे सबमिट किया जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ क्विक रिस्पॉन्सिकॉन्स है और डाउनलोड प्रोडक्शन से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं यहां से ये भी डाउनलोड हो गया डाउनलोड होने के बाद जैसा जैसे ही आप यहाँ पे सी फाइल को ओपन करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे सो so, जैसा आप देख पा रहे हैं ये प्रोडक्शन का एक नया कॉलम आ गया और मॉडल ने अकॉर्डिंगली चेक करके इन रीडिंग्स के बेस पे बताया है कि मॉडल बेसिकली पेशेंट किस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे उसकी क्या डायबिटिक की क्या कंडीशन होगी किस टाइम पे हाइपोगिक होगा या किस टाइम पे हाइपरग्लेमिक होगा यहाँ पे जो है सारी वैल्यूज जो बेस्ड ऑन टाइम सीरीज यहाँ पे जो है राइट right हो गई है That's all for this video, guys. अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए असाइनमेंट के लिए यूनिवर्सिटी असाइनमेंट के लिए या पर्सनल लर्निंग के लिए या किसी भी उस चीज के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं और आपको अगर सोर्स कोड चाहिए डेटा सेट चाहिए एवरीथिंग इन एक पैकेज में सारी चीजें चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं अंटिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर थैंक यू